में कांग्रेस की बदली रणनीति को भांपकर मोदी ने भाजपा को कर दिया है चौकन्ना। गुजरात में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही चुनाव प्रचार गर्मा गया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुप बैठी है। कांग्रेस की इस चुप्पी को राजनीतिक जगत में उसकी निष्क्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस बार गुजरात में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। जामनगर में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे आपको चेतावनी की जरूरत पड़ी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस ने नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने इसकी जांच पड़ताल नहीं की है, लेकिन पहली नजर में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने रणनीति बदली है। मोदी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बहुत शोर शराबा करती थी और भाजपा के सफाई की बात करती थी। गुजरात के 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे मोदी ने कहा, लेकिन हम 20 साल में हारे नहीं, इसलिए उन्होंने इस बार कुछ नया किया है और इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी गुजरात में बड़ी राजनीतिक ताकत रही कांग्रेस, इस बार खुलकर कुछ नहीं कह रही, बल्कि गांव-गांव जाकर चुपचाप काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस बात को लेकर भ्रमित नहीं हो कि वे मीडिया में नहीं दिख रहे हैं, ना ही संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं और ना ही भाषण दे रहे हैं। सतर्क रहिए, कांग्रेस नई रणनीति के साथ घुसपैठ की फिराक में है। यह बोलती नहीं है, लेकिन गांव-गांव जाकर सभाएं कर रही है, इसलिए आप भी गांव-गांव जाइए। उधर प्रधानमंत्री ने इस बयान पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या मोदी राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जहां तक कि मोदी की सभा के किए गए बड़े दावों की बात है, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने ब्रिटिश जमाने के पुराने पड़ चुके करीब 2000 कानूनों को समाप्त किया, जिनके तहत छोटे मामलों में भी उद्योगपतियों को जेल जाना पड़ता था। उन्होंने यह भी कहा कि कारोबार सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग बेहतर बनाए रखेगी और उनके 2014 में सत्ता में आने के बाद से इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मोदी ने कहा कि कुछ विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव के बावजूद दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत स्थिरता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल तेजस 24 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।